यकीनन आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ होगा, आप अपने मामलाते ज़िंदगी हैंडल करने बाहर निकले होंगे अपनी गाड़ी पे और आपकी गाड़ी आपके साथ इनकारी हो गई होगी। और अक्सर ये सीन तब भी होता है जब आपको जल्दी होती है और आपने वो काम जल्द से जल्द ख़त्म करना होता है। इस सिचुएशन में इंसान इनक्रेडिबली तंग होता है और इस तंगी की हालत के बारे में अक्सर वो कुछ कर भी नहीं सकता। एंड आपके पास अब और कोई चॉइस नहीं रह जाती और वो ये होता है कि सड़क के साइड पे खड़े होकर इंतजार करना कि या आपका मैकेनिक आ जाए तो या तो कोई आपका रिश्तेदार कोई जानने वाला आके आपकी गाड़ी वहां से खींच के ले जाए। कॉल आ जाएगी यार। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, कितनी लंबी उम्र है मैकेनिक की? अभी मैकेनिक को याद ही किया तो उसकी कॉल आ गई। अब जैसे कि मेरी गाड़ी इस तरह सड़क के साइड पे खड़ी खराब हो गई है, आप में से बहुत सारे लोग तो इस तरह के होंगे जो कि अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते बजाय इंतजार करके आवाज़दार होने के। तो आज की वीडियो में स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कभी रस्ते में खड़े होकर ख्वार नहीं होना चाहते। मैंने ये वाली सेटिंग तो इस वजह से बनाई ताकि मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन दिखा सकूँ जिसमें आपके एक काम आएगी स्किल। मैं तो यहाँ से घर पहुँच जाऊँगा और घर पहुँच के मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने यहाँ से घर कैसे पहुँचना है। अब मामला कुछ इस तरह है कि मेरे पास तो कई सालों का एक्सपीरियंस है गाड़ियों का एंड इस एक्सपीरियंस में मैंने कई बार ये फेस किया छोटे मोटे इश्यूज, गाड़ी चलते हुए कभी मिसिंग करने लग जाए, कभी गाड़ी का कोई हिस्सा आवाज करने लग जाए चलते हुए, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शौक भी इसी तरह की गाड़ियों का है जो कि शायद मेरी उम्र से भी डबल डबल की है। लेकिन मेरे साथ जिंदगी में पहली दफा ऐसा होना स्टार्ट हुआ है कि गाड़ी ने मुझे रस्ते में खड़ा करके तंग करना स्टार्ट किया एंड दैट टू ऑन द बुगीमैन। अब रस्ते में खड़ा होके ख्वार होना बहुत मुश्किल हो सकता है, खास तौर पे जब आप किसी जगह पहुंचना चाह रहे हो, आजकल की बहुत बिजी रूटीन है एंड कोई भी रस्ते में खड़ा होके अपना टाइम नहीं जाया करना चाहता। अब अगर तो आपकी गाड़ी का कोई ऐसा पुर्जा टूट गया है जो कि यानी रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई मैकेनिकल पार्ट टूट गया, फिर तो अलहदा स्टोरी है। लेकिन आपकी गाड़ी अगर सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रही तो इसके पीछे दो तीन ऐसी रीजंस हैं जो कि अगर आपको पता हो तो आपके लिए मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर आपने सही तरह प्रिकॉशंस लिए हो तो हो सकता है कि आप अपनी मंजिल तक भी आराम से पहुंच जाएं। और अगर आपको पता चल गया मसला क्या है तो आप मैकेनिक की भी बेईमानी, मैकेनिक अगर आपको कोई गलत बात करता है कि यार गाड़ी में ये मसला है और हकीकत में कोई और छोटा इशू हो तो आप उससे भी बात सकते हैं, या आपकी गाड़ी की एयर का इशू, या आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल इशू है, या आपकी गाड़ी में फ्यूल का इशू है। ये तीन इश्यूज ऐसे हैं जो कि आप रस्ते में सही भी कर सकते हैं। अगर तो आपकी कंप्रेशन खराब हो गई है फिर तो आपका इंजन खुलेगा और आपके रिंग पिस्टन ही ठीक होंगे। और अगर आपकी गाड़ी की खुदा ना खास्ता टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट टूट गई है फिर भी आप मैकेनिक की नजर ही होंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली जब आपकी गाड़ी की टाइमिंग ऑफ हुई तो आपका कोई ना कोई वॉल्व भी टेढ़ा हो गया। तो अगर आप रस्ते में टाइमिंग बेल्ट टाइमिंग चेन लगा भी लेते हैं फिर भी मोस्ट लाइकली आपका इंजन खुलना ही होगा। अगर तो आपकी टाइमिंग बेल्ट टूटते ही आपका इंजन रुक गया तो ये आपको मैं मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, कभी भी अपनी गाड़ी स्टार्ट ना कीजिएगा। अगर तो आपने गलती से गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि फौरन पता तो नहीं चलता कि टाइमिंग चेन टाइमिंग बेल्ट टूट गई है, तो आपके वॉल्व्स टेढ़े होंगे ही होंगे और आपका एक दफा इंजन खुलेगा ही खुलेगा। अब इस सारी डिस्कशन के बाद मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप ऑन द गो ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर इशू क्या है एंड अगर कोई छोटा मोटा इशू हो भी तो उसको रिजोल्व कैसे करना है। चलें तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैमरा अपने माथे पे लगा लिया और अब हम इंजन बे को देख रहे हैं। ये स्पार्क प्लग वायर्स और ये कॉइल, बेसिकली कॉइल ने करंट जनरेट करना होता है जो हमारे स्पार्क प्लग तक जाना होता है एंड अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो ये करंट का इशू भी हो सकता है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम पहले जाके गाड़ी का करंट चेक करेंगे एंड करंट चेक करने के लिए आपको स्पार्क प्लग की वायर्स उतारनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम पहले स्पार्क प्लग की वायर जाके उतार देंगे एंड अब हम चेक करेंगे कि क्या कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि स्पार्क प्लग के अंदर पॉजिटिव करंट आ रहा होता है, हम कोई भी बॉडी का पार्ट जो या कोई मेटल की पाइप जो कि पेट्रोल की पाइप ना हो तो अच्छी बात है, ये जिस तरह ब्रेक फ्लूइड की पाइप है इसके करीब करके हम थोड़ा सा इग्निशन लगाएंगे। अब इग्निशन लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना लगाना है कि एक आध आपको स्पार्क नज़र आ जाए। अगर तो स्पार्क नज़र आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं नज़र आता इसका मतलब आपकी स्पार्क प्लग वायर में स्पार्क नहीं आ रहा। तो ये अब हम करने लगे हैं टेस्ट एंड हियर वी गो।
ये देखा, आपको शायद अभी नज़र आया हो कि स्पार्क प्लग वायर में स्पार्क आया है, दो बार स्पार्क हमें नज़र आया, इसका मतलब कि स्पार्क प्लग वायर में स्पार्क आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी स्पार्क प्लग वायर में स्पार्क ना आ रहा हो, तो आप वो वापस लगाएं और आप डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर से जो मेन आपकी कॉइल से वायर आ रही है वो उतार लें, और वो उतार के फिर अब आपने इसके अंदर चेक करना है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका भी सेम ही प्रोसेस है, बॉडी के किसी पार्ट की करीब करके आप इग्निशन लगाएंगे तो आपको इसमें भी स्पार्क नज़र आना चाहिए। ये इसका अंदर भी स्पार्क आ रहा है। अब फर्ज करें आपकी मेन कॉइल के अंदर स्पार्क आ रहा है लेकिन आपके स्पार्क प्लग वायर्स में स्पार्क नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो आपका दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है इधर कोई ना कोई इशू हो रहा है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूटर में इशू हो रहा है तो आप इसे खोल के अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। जो ऐसे तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर साफ़ है लेकिन आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ, कपड़े से आपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। कभी कभी हो सकता है कि नमी की वजह से आपकी गाड़ी ना स्टार्ट हो रही हो, एक दफ़ा आप अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटर की सफाई करके उसे बंद कर देंगे तो देर इज़ अ ग्रेट चांस कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट एक दफ़ा आप इसके सारे कनेक्शन देख लें, कोई तार ख़राब ना हो, आप अपनी कॉइल की भी वायर्स वगैरह सारे अच्छे तरीके से चेक कर लें। जब एक दफ़ा चेक कर लेंगे तो दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर अभी भी नहीं होती तो फिर चांस है कि आपकी कॉइल ख़राब है। एक बार फिर आप अच्छी तरह सारे कनेक्शन ज़रूर देख लें, ये देख लें कि इसकी तार के अंदर पॉजिटिव करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। एट दिस पॉइंट शायद आपको अब इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत ही पड़े। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया और आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल इशू गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी लेकिन आपकी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फ्यूल सिस्टम की तरफ जाएं। फ्यूल सिस्टम में आपका सबसे पहले आ जाता है कार्बोरेटर। सबसे पहले तो आप कार्बोरेटर के ऊपर से उसका एयर क्लीनर उतारें, जैसे कि मैंने अपना आफ्टर मार्केट खुद कस्टमाइज्ड एयर क्लीनर लगाया हुआ है, वो मैं खोल के उतार रहा हूँ। अब कार्बोरेटर के अंदर दो आपने मेन चीज़ें देखनी है, कार्बोरेटर के अंदर होते हैं जेट्स। अब पहले आपने स्लो जेट देखना है, स्लो जेट आपका इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होता है और ये यहाँ से इसकी केबल जा रही है। जब आप गाड़ी का स्विच लगाते हैं तो स्लो जेट की इंगेजमेंट होती है और उसकी आपको टिक 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 करके आवाज़ आनी चाहिए। इन केस आपको वो आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब आपका स्लो जेट हो गया ख़राब, एंड या तो उधर पावर नहीं आ रही या जेट ख़राब हो गया, आपको मैकेनिक से चेक कराना पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको ये आवाज़ आती है टिक टिक की, इसका मतलब आपका स्लो जेट ठीक है। ये हो सकता है कि आपका कार्बोरेटर चोक हो, तो इसके ऊपर आप हाथ रखें और इसको अच्छी तरह इसके एयर पैसेज को चोक करें, अच्छी तरह दोनों हाथ रख के इसको कवर करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपका हाथ अंदर ना खींचे क्योंकि ये बहुत ज़ोर से खींचता है। साथ आप अपने किसी दोस्त को कहें कि वो गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर आपकी गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं होती तो आपने स्पार्क प्लग वायर्स की तरफ आना है। स्पार्क प्लग वायर्स के अंदर आपने फर्स्ट और थर्ड वायर जो है उनको आपस में रिप्लेस करके स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा कि आपके कार्बोरेटर के अंदर बैक प्रेशर आएगा जिससे आपके जेट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्ज करें आपने ये सब कुछ करके देख लिया और फिर भी आपका मसला हल नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है कि फ्यूल की लाइन खोल लेनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हो सकता है इसके अंदर फ्यूल हो, आपके इंजन बे के अंदर स्पिल ना हो। तो फ्यूल की लाइन खोल के अब हम फाइनली ये चेक करने लगे हैं कि गाड़ी के फ्यूल पंप में इशू तो नहीं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं उधर नीचे फ्यूल पंप लगा हुआ है, मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिकल पंप है और मेरी गाड़ी के अंदर जो लगा हुआ है वो मैकेनिकल पंप है। इलेक्ट्रिकल पंप के लिए तो अगर आप बस स्विच लगा दें तो आपका इलेक्ट्रिकल पंप का काम करने लग जाता है और आपको फ्यूल फ्लो करता हुआ नज़र आ जाना चाहिए। अगर नहीं नज़र आता तो आपका इलेक्ट्रिकल पंप ख़राब है। लेकिन मेरी गाड़ी में लगा हुआ है मैकेनिकल पंप। मैकेनिकल पंप का ज़रा डिफरेंट सीन होता है, ये स्विच लगाने पर स्टार्ट नहीं होता, इसके लिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, सेल्फ मारना पड़ता है और फिर ये प्रेशर ऊपर की तरफ लेके जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका फ्यूल उधर इंजन बे के ऊपर ना गिरे, क्योंकि आप जब गाड़ी को इस तरह स्टार्ट करेंगे देयर इज़ अ चांस कि फ्यूल गिर सके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है लेकिन फ्यूल हमारे इंजन बे के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आया, ज़रा सा भी फ्यूल ऊपर नहीं चढ़ा, जिसका मतलब ये है कि हमारे फ्यूल पंप से फ्यूल नहीं आ रहा। एंड फाइनली हमने अपनी गाड़ी का इशू ट्रेस कर लिया। वैसे तो ये बात मुझे पहले ही पता थी, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल पंप ऑलरेडी परचेज करके रखा है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये फिक्स कैसे करते हैं। मेरी गाड़ी में क्योंकि मैकेनिकल पंप लगा हुआ था, मैकेनिकल पंप के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं एंड उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको सुबह के टाइम सेल्फ बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि फ्यूल ऊपर तक चढ़े और कार्बोरेटर तक जाए और फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल पंप लगा लें, एक तो उसकी रिप्लेसमेंट आसान होती है
एंड सेकेंडली वो फ्यूल प्रेशर जनरेट कर देता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत बेहतर हो जाती है। गाड़ी के अंदर मैकेनिकल पंप से इलेक्ट्रिकल पंप की तरफ कन्वर्जन करनी है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिकल पंप है। वैसे तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉइल भी अपने पास रखता हूँ जस्ट इन केस कोई इशू हो। अगर तो आपको जल्दी है आप कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग फ्यूल पंप है इवन दो वो मैकेनिकल है आप वहीं पर ये अपना इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप फिट करें। उससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा पाइप्स वगैरह के अंदर ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, इधर से ही इन और आउट की पाइप आप लगा देंगे और आपका मसला हो जाएगा हल। उसके बाद सिर्फ आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ही करने होंगे, लेकिन क्योंकि अब हमें ये वाला इशू तो है नहीं, हम अपने घर में हैं तो मैं इलेक्ट्रिकल पंप प्रॉपरली फिट करूंगा अपनी गाड़ी में। अब जो पीछे फ्यूल टैंक से पाइप आ रही है उसके ऊपर से मैं अपना फ्यूल फिल्टर उतार रहा हूँ एंड आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी पाइप्स फ्यूल की मेरे इंजन बे के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी मैं खोल लूँगा। ये सारी पाइप्स खोलने के बाद फिर मैं एक मॉकअप लोकेशन देखूँगा अपने इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप की। तो अब ये सारी पाइप्स हमने निकाल ली या हमने अपने फ्यूल पंप की लोकेशन डिसाइड कर ली है और इधर पिलर के अंदर ऑलरेडी एक होल एग्जिस्ट कर रहा है जिसे अब हम दूसरी साइड से जाके देखेंगे। अगर आप नीचे देख सकते हैं तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर ऑलरेडी एक नट भी वेल्डेड है जो कि जेन्युइन बॉडी के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो हमारा मसला बहुत हल हो गया। यहाँ पर एक 12 का नट है तो इसके अंदर हम एक 12 का बोल्ट थोड़ा सा टाइट करके हाथ से ही देखेंगे कि वो फिट होता है या नहीं। लकीली वो फिट हो रहा है तो अब हम हाथ से फ्यूल पंप को थोड़ा सा उधर टाइट कर लेंगे। हाथ से रख के जब हमने थोड़ा सा फ्यूल पंप को टाइट कर लिया फिर हम लेके आएंगे 12 की चाबी एंड फिर इसको कम्प्लीटली टाइट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्यूल पंप हाथ से हमने टाइट करके जगह पे रख लिया, अब हम 12 की चाबी के साथ उसे कम्प्लीटली टाइटन कर रहे हैं कि जब आप बिल्कुल सिक्योर हो जाए, जगह से बिल्कुल ना हिल रहा हो, तो फिर आप समझेंगे आपका फ्यूल पंप बिल्कुल सेट हो गया और आपको मज़ीद इसके अंदर कोई इसकी पोजीशन में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी पाइप्स की फिटिंग में ज़्यादा बेंड्स वगैरह आना है। हमारा फ्यूल पंप जगह के ऊपर अच्छे तरीके से फिट हो गया। अब बाकी का सिनेरियो मैं आपको इन पर्सन ही बताता हूँ। अच्छा, मैं पाइपें कनेक्ट कर रहा था और मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई एंड एट दिस पॉइंट मैंने फिर कहा कि यार एक दफ़ा जो पाइप्स वगैरह कनेक्ट कर लूँगा फिर आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। सिचुएशन कुछ ये थी कि मुझे टाइम इस वजह से ज़्यादा लगा क्योंकि मैं एक खास प्लेसमेंट बनाना चाह रहा था फ्यूल पंप की। लेकिन आप अगर कहीं फंसे हुए हैं कहीं जल्दी में हैं तो आपको कोई खास प्लेसमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, बस फ्यूल पंप के साथ पाइपें अटैच करें एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लीव एज सून एज पॉसिबल। मैं आपको एक छोटा सा हैक बताने लगा हूँ ताकि आप विद इन 15 टू 20 मिनट्स आप अपने रास्ते में हो। इवन इफ आपकी गाड़ी के अंदर मैकेनिकल फ्यूल पंप हो या इलेक्ट्रिकल, अगर तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है फिर तो आपकी गाड़ी के अंदर बहुत इजी सीन है। आपका फर्दर एक और अच्छा काम हो सकता है अगर आपको कोई नेक नियत इलेक्ट्रिशियन मिल गया हो, उसने आपका फ्यूल पंप का ओरिजिनल ग्रिप नहीं उतारा होगा तो आपने बस पाइपें लगानी है, ग्रिप उतार के दूसरा ग्रिप लगाना है एंड यू आर रेडी टू गो। लेकिन अगर आपका मैकेनिकल फ्यूल पंप है और अभी आप वायरिंग वगैरह के बारे में खास नहीं जानते तो बेहतर आपके लिए ये है कि आपके लिए गाड़ी एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो और आप अपनी जगह पे पहुंच सकें। तो एक दफ़ा आप फ्यूल पंप के साथ पाइप्स वगैरह कनेक्ट कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है कि ये इसकी रेड वाली पॉजिटिव और ब्लू वाली नेगेटिव ये पहले चेक कर लेना है एक दफ़ा कि इसी तरह है या नहीं है। मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ तो आप बेहतर समझेंगे बात। अगर तो आपके पास इस तरह का कनेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ओरिजिनल ग्रिप में लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा तो आप डायरेक्ट बस ये तारें छील के इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब तो मैंने तार अच्छे तरीके से गुजार लिया फ्यूल पंप से ताकि बुरी भी ना लगे गाड़ी में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप फंसे हुए हैं तो आप क्या करेंगे। आपने जल्दी जल्दी से बस ये कनेक्टर लगा लेना है इधर से इधर एक हाथ से, क्योंकि मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ऐसे हमारा लग गया कनेक्टर, ये क्लिक हो गया। अब आपने जल्दी से चेक कर लेना है कि पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पॉजिटिव रेड हो और नेगेटिव ब्लैक हो, तो और इसके ऊपर भी मैंने बैटरी के ऊपर ये निशान लगाया हुआ है तो हम पॉजिटिव इधर टच करेंगे और नेगेटिव बॉडी में कहीं पर भी टच करेंगे तो इंशाल्लाह ये चलनी चाहिए, लेकिन हम उसे नेगेटिव बैक। तो जैसे आप देखें हमने टच किया तो हमारा फ्यूल पंप फंक्शन करने लग गया, आवाज़ आपको आ रही होगी, तो हमारे कनेक्शन ठीक हैं, ये देखें तो ठीक हो गया। अब अगर तो आप जल्दी में हैं तो आप जल्दी जल्दी बस इसको इधर फंसाएं, फ्यूल पंप ऑन करें और अपनी अपना काम करके मैकेनिक के पास जाएं। ये बात आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपने गाड़ी बंद की है तो आप अपना फ्यूल पंप बंद करके जाएं, ना कि उसको इसी तरह चला रहने दें, क्योंकि डायरेक्ट फ्यूल पंप आपने ये चलाया तो ये भी खराब हो जाएगा। अब मैं अपना ये वाला फ्यूल पंप निकाल भी सकता हूँ और ये मैंने निकाल देना है क्योंकि ये लगा हुआ अभी अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इसका कुछ भी नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मैं करूंगा ये कनेक्शंस प्रॉपर तरीके से। ब्लू वाली को मैं ग्राउंड लगाऊंगा एंड इसको मैं कनेक्ट करूंगा इग्निशन से। अब जैसे कि आपको नीचे रेड वायर नजर आ रही है, ये हमारी कॉइल के अंदर जा रही है। अगर आपके पास भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी है तो उसकी भी एक इस तरह वायर जा रही होगी, और अगर आपकी गाड़ी में रिले कनेक्ट हुआ है तो डायरेक्ट आपने पंप इसी के साथ लगा लेना है, तो आपकी गाड़ी बेहतरीन चल जाएगी। वरना आप कोशिश करें कि आप अपने इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं जो आपका बेहतर सलूशन निकाल के देगा, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी की वायरिंग खुद की हुई है, मुझे पता है कि इस तार के अंदर रिले की पावर आ रही है, तो मेरा कोई इशू नहीं है इधर। खैर, अब मैं ये वायर्स कनेक्ट करूंगा एंड फाइनली आपको दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो मैंने फाइनली वायरिंग कर ली है। अब ये देखें, ये पॉजिटिव वायर इधर से आ रही है और ये इधर को जा रही है, ये रिले से आ रही है, तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। तो मैंने कहा कॉइल के टॉप से भी वही बात है, चाहे मैं उधर नीचे से काट के लगाऊं चाहे मैं इधर से लगाऊं, एक ही बात है। यहाँ पर सिर्फ नट में टाइट होना था, वहां पर स्प्लाइस करनी पड़नी थी। मैंने कहा यहाँ पर एक कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो एक नया कनेक्शन क्यों बनाया जाए। और दूसरी, मैंने ब्लू तार कनेक्ट कर दी है बॉडी के साथ, तो अब जब मैं स्विच लगाऊंगा तो हमारा पंप चलना चाहिए। एंड एंड यस, शायद आपको आवाज आ रही हो शायद ना आ रही हो, लेकिन हमारा पंप फंक्शनिंग है। एंड क्योंकि अब ये मैकेनिकल पंप नहीं है तो हमें इंजन स्टार्ट ऑन करने की जरूरत नहीं, और हमारा फ्यूल प्रेशर बिल्ड हो गया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग मैन, ऑलरेडी फ्यूल प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। वापसी की पाइप का देख लेते हैं, वापसी की पाइप में भी फ्यूल आ रहा है। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। एंड स्टार्ट नहीं हुई अभी, मेरा ख्याल है रेस देनी पड़ेगी, थोड़ी सी रेस देके देख लेते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। ये क्यों नहीं स्टार्ट हुई, ये चेक कर लेते हैं अभी। ये वाली पाइप एज अ सेड इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया है, और वापसी वाली में भी इधर प्रेशर उस तरह नहीं है, ये क्यों है? एंड आई एम सर्टेन कि मैंने और कुछ नहीं छेड़ा, कहीं ये तो इशू नहीं कर रहा है ये जो हमने कनेक्शन किया नया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज बड़ी होती हैं गाड़ियों में। असूलन तो वैसे अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बड़ी हैरत की बात है कि नहीं हुई। डायरेक्ट पीछे से फ्यूल आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है यार, काइंड ऑफ फ्राइटनिंग। तो गाइस, मसला कोई खास बड़ा नहीं था, मेरा ख्याल है फ्यूल प्रेशर नहीं बन रहा था इस वजह से इशू था, लेकिन कनेक्शंस हमारे बिल्कुल ठीक थे। एज अ सेड गाड़ी की वायरिंग मैंने खुद की हुई है, तो हमारा फ्यूल पंप वाला प्रोसेस हो गया सक्सेस। ये देखें, अब फाइनली इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप ही हमारा फंक्शन कर रहा है, वो वाला उतरा हुआ है। एंड आपको ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ, गाड़ी इजी हो गई है अभी तो। खैर इजी है, सुबह का पता नहीं सुबह क्या कहती है मुझे, लेकिन ये देखें माशाल्लाह, इजी पीजी सीन हो गया हमारा, एंड द कार इज रनिंग ग्रेट। ये लाइंस क्यों नहीं दाब रही, ये मेरा ख्याल है बस फिर मेरे से ही नहीं दाब रही। एनीवेज गुड हो गया। अब मैंने अपनी तरफ से बना दी है वीडियो, पता नहीं कैसी बनती है। आई होप आपका कोई फायदा ही हुआ हो आज, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है आपको इन्फॉर्मेशन भी दूं, और आपको जितना ऑन स्क्रीन में दिखा सकता था मैंने गाड़ी अपनी तरफ से सही करके दिखाई है। एंड छोटे छोटे भी लगाई है यार, एक तो मुझे पता बाद में चलता है, मुझे पता कैसे पता चले उंगली पे चोट लगी हुई, मेरे फ्यूल पंप पे खून लगा ना, ये कहाँ से है, ये लाल टेप तो अभी मैंने लगाई नहीं, तो गौर किया उंगली की तरफ तो छोटा सा कट लगा हुआ था। एनीवेज एवरीथिंग असाइड, ये एक ऐसा सिंपल सा फिक्स है जो हर कोई कर सकता है मेरे ओपिनियन में। मैंने ज्यादा टाइम जहाँ जाया किया वो बस इन पाइपों की प्लेसमेंट बनाने के लिए जाया किया, ये इधर से और वो नीचे पंप जो है उसकी जगह बनाने के लिए। तो अगर आप ये सब नहीं करते ऑन द गो, जैसे देखें आप डायरेक्ट भी आप टच करें, यहाँ से मैंने आपको चला के दिखाया था फ्यूल पंप चल रहा था, आप अगर डायरेक्ट टच करें और पाइपें भी पाइपों के दरमियान बस फ्यूल पंप अड़ा दें और वो ऊपर क्लंप टाइट कर दें, मेरे ख्याल है मैक्सिमम आपके 20 मिनट लगेंगे। अगर आपके रास्ते में कभी फ्यूल पंप खराब हो भी गया, ये बड़ा सस्ता आता है, मुझे 2000 रुपए का ये फ्यूल पंप मिल गया था और दुकानदार इसकी ठीक ठाक गारंटी दे रहा था, कहता कि अगर खराब हुआ तो मेरे पास वापस ले आना। तो अगर इस तरह का फ्यूल पंप आपको 2000 रुपए में मिल जाता है,
वही 2000 आपने मैकेनिक को देने हैं, वो आके आपकी गाड़ी सही करेगा और सारा कुछ करेगा। उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि यार अगर आपके 20 मिनट के अंदर आप अपनी गाड़ी खुद सेट कर सकते हैं तो ये भी ठीक है। गाड़ी के अंदर हमेशा एक ग्लास, एक 10 की चाबी और इस तरह कटर, एक इस तरह की छोटी मोटी चीज, एक पेचकस, ये चीजें लाजमी रखा करें, थोड़ी सी वायर और ये फ्यूल वाली ट्यूब भी, खास तौर पे अगर आपके पास तकरीबन 20 साल से पुरानी गाड़ी है, क्योंकि कोई भी ऑन द गो इशू आ सकता है। मेरे पास तो खैर ना सिर्फ फ्यूल पंप एक्स्ट्रा पड़ा था, मेरे पास एक्स्ट्रा एक कॉइल भी पड़ी थी, तो मुझे तो इस तरह इशू आया ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो गाड़ी ऐसे ऑफ कर दी जाए, अभी मैं अपना फ्यूल क्यों जाया कर रहा हूँ, बहुत महंगा फ्यूल, तो गाड़ी ऑफ कर दी जाए। मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मजे का कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। हाँ, एक चीज आप नोट करेंगे कि यहाँ से जो फ्यूल फिल्टर जिसके साथ मैं खेल रहा था बड़ी देर, वो मैंने निकाल दिया। फ्यूल फिल्टर मैंने पीछे टैंकी के पास लगा दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बन रही थी, प्लेसमेंट नहीं बन रही थी, और इस तरह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाइटमेयर ऑटोस। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड कॉमेंट्स में बताओ यार कि आपको क्या लगा, ये मुश्किल था या आसान था, एंड जितना मैंने टाइम लगा दिया इसके बाद तो नहीं लग रहा होगा कि आसान है। अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई फायदा हुआ, तो मुझे लाजमी कॉमेंट्स में बताएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।